दूंगा तो एपिसोड कैसे देखते हैं एंड किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आपके पहले सवाल का जवाब दूं, मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज आई वांटेड टू कम एंड एक्सप्लोर दिस क्रॉसओवर एक विलन और नागिन में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ओवरलैप भी है, रोमांस है, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, इमोशनल थ्रस्ट होता है कहानी में, यू नो, तो उस वजह से मुझे लगा कि बहुत एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग हो सकता है। मैंने ही एकता को बोला था मुझे करना एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड मी टू डू समथिंग, तो आई थिंक इट वॉज वेरी एक्साइटिंग कि प्रोड्यूसर एक्टर जब साथ में कुछ सोचते हैं तो कुछ नया निकलता है, वरना नॉर्मली यू डोंट गेट टू सी एक्टर्स गोइंग डूइंग दिस वेरी ऑफन। और मैंने हाफ गर्लफ्रेंड के वक्त भी किया था तो मुझे बहुत मजा आया था, और अच्छी बात यह कि सेम डायरेक्टर है, अभी टीम बदल गई है, एक्टर्स नए हैं, अभी तेजा आ गई है लाइक yes. तो मैंने वही उनसे पूछा कि ये तेजा क्या है, तो उन्होंने बताया कि आप लोगों ने ही नाम रखे उनका। और फिर मैंने बहुत ख़राब जोक भी क्रैक किया तेजस्वी के साथ, मैंने कहा कि मुझे लगता है आपकी फेवरेट फिल्म करण अर्जुन ही होगी। तो उनका रिप्लाई क्या, उन्होंने कहा ये ज़रूर बताना सबको कि तुमने इतना अच्छा जोक क्रैक किया, बट नहीं, मैं करण को पहले से जानता हूँ, उनके साथ मुबारक कर चुका हूँ, तो आज तेजा से भी मिला एंड इतनी पॉपुलैरिटी है शो की, तो मैं चाहता था कि मेरी भी पॉपुलैरिटी बढ़े, फिल्म की पॉपुलैरिटी बढ़े, और एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा था टीवी और फिल्म का एक रिश्ता है, यू नो, यू कांट एग्जिस्ट विदाउट दी अदर, वी गो एंड प्रमोट आवर फिल्म्स ऑन टेलीविजन एंड इवेंचुअली देर इज सच अ बिग ऑडियंस, बिकॉज मैंने जब रियलिटी शो भी किया था, खतरों के खिलाड़ी की थी, तब मुझे पता है कि कियान का पे कितना अच्छा असर पड़ा था, बिकॉज बहुत लोगों ने शो देखा था, उस वजह से मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया, आई वॉज वेरी हैप्पी। जैसे आप देख रहे हो मैं अभी भी यही हूँ, मैं मस्ती मजाक टाइम पास कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इट्स नाइस टू प्रमोट डिफरेंटली ऑल्सो, ना वरना हम आपको भी अलग अलग फोटो आप नहीं दे पाए। अगर हम बात करें मॉल में भी गए थे, फिर उसके बाद अपने घर पे अपने हॉल में गया था, मैं चाहता हूँ कि लोग थिएटर हॉल में जाके हमारी फिल्म जरूर जाएंगे। बॉडी वॉन्टू से दो गाने आ गए, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है गाने को एंड ट्रेलर का, तो उससे भी काफी अच्छा। हाउ डू यू सी, हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इक्विवेलेंट टू, यार विदाउट साउंडिंग ओवर कॉन्फिडेंट, आई वुड से मोहित सूरी की एक खासियत है कि उसके गाने हमेशा दिल को छू जाते हैं, और पहली बार सुनने से ही मुझे पता था कि डेफिनेटली हमारे म्यूज़िक में एक वो पावर है जो लोगों से कनेक्ट करेगा। आजकल की जिंदगी में ओरिजिनल म्यूज़िक की अपनी एक नई वैल्यू आ गई है, बिकॉज इट्स सो यूनिक। आई थिंक इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स कबीर सिंह, शेरशाह, दीज आर द टू फिल्म्स दैट हैव हैड प्रॉपर रोमांटिक लव बैलेट्स, और कहीं ना कहीं मोहित की वो छवि हमारे म्यूजिक पर हमेशा भारी रही है, तो मोहित सूरी टाइप का गाना जो होता है जो हम कहते हैं, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट गेटिंग फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस। बट हाँ, जैसे आपने कहा ट्रेलर का इतना अच्छा रिएक्शन आया और लोग जानना चाहते हैं कि कौन है विलेन, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर लोग इंक्विजिटिव है यानी कि जानना चाहते हैं कहानी के बारे में, फिर वो थिएटर आना चाहेंगे। नॉर्मली क्या होता है कई बार ट्रेलर सारे जवाब दे देता है, इस बार मुझे ऐसा लगता है हमने सवाल खड़े किए, और वो सवाल के जवाब जानने के लिए आप थिएटर के हॉल में आएंगे। एंड हाउ मेनी मोर टाइम्स, फैमिली की तरफ से किस तरह का रिएक्शन मिला प्रमोशन, सॉरी फैमिली की तरफ से ट्रेलर को, जानवी मैम, मेरी फैमिली की तरफ से, हां जानवी मैम, जानवी मैम और बॉनी सर क्या कह रहे हैं? यार देखो, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, हमारी फैमिली, किसी की भी फैमिली, अगर आप कोई काम करो, कोई भी करे, तो देयर इज डेफिनेटली अ पॉजिटिविटी एंड वी वांट एवरीबॉडी टू सक्सीड विद इन द फैमिली, बट ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है दैट वी आर पीपल हु आर बॉर्न टू एंटरटेन पीपल। हम बड़े हुए हैं बड़े पर्दे की पिक्चरें देख के, और ये जान के और मान के कि हम ऑडियंस को थ्रू आउट द वर्ल्ड एंटरटेन करना चाहते हैं। सो आई थिंक व्हेन यू सी अ ट्रेलर लाइक विलन, ऑटोमेटिकली एक एक्साइटमेंट बढ़ती है यार ये फिल्म लोग जाके देखेंगे थिएटर में, जैसे आपने कहा ट्रेलर का रिएक्शन। मेरी फैमिली का भी वही एक्साइटमेंट है कि यार ये वो थिएटर वाली फिल्म लग रही है, तो इसीलिए चाहे जानवी हो चाहे डैड हो, सारे मतलब सारे फैमिली मेम्बर, सारे दोस्त, और कुछ लोग ऐसे जो शायद आपको नॉर्मली सच बोलते हैं, उन्होंने आगे से जब मैसेज किया तो आपको पता है कि यार ट्रेलर में और म्यूजिक में दम जरूर है। एक आखिरी सवाल था।